Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे. आज की हमारी रेसिपी फ्रूट जूस जेली डेजर्ट है, जिसे हम कलरफुल फ्रूट जूस जेली और मिल्क से बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे. ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्वीट रेसिपी है. आप इसे बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे. मैंने इसमें फ्रूट जूस से बनी हुई जेली लिया है, जो मैंने पहले ही बना लिया है. आप इस जेली की रेसिपी को पिछले वीडियो में आप जरूर देख लें, मैंने इसका लिंक भी डाल दिया है. सबसे पहला जेली ये मेरी स्ट्रॉबेरी जेली है और दूसरी मेरी ये अंजीर से बनी हुई जेली है और तीसरा मेरा ये ऑरेंज जेली है और ये जेली मैंने काले वाले अंगूर से बनाया है और ये जेली मैंने कीवी से बनाया है. इस तरह से आप इन जेली को फ्रूट जूस से बना सकते हैं और डिजर्ट में इस्तेमाल करिए. बच्चों को न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही, साथ में हम सभी बड़ों को भी बहुत फायदा मिलेगा. और इसके साथ में एक कप मैं दूध लूंगी. बड़े कप से एक कप मैंने दूध लिया है और कंडेंस मिल्क मैंने लिया है, ये 400 ml है कंडेंस मिल्क. और एक कटोरी मैंने फुल क्रीम लिया है. आप चाहें तो मार्केट से ले लें, नहीं तो घर में जो आप क्रीम निकलती है उससे ले लें. और मैं एक चम्मच में पिसा हुआ शक्कर डालूंगी और जेलेटिन पाउडर मैं डालूंगी इसमें 3 चम्मच. ये बहुत ही आराम से मार्केट में आपको मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाएगा आपको. चलिए बनाना इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मुझे एक बाउल ले लेना है या आप एक मिक्सी का जार ले लें, जिसमें हमें इन सभी चीजों को मिक्स करना है. तो सबसे पहले मैं ये दूध डाल दूंगी. मैं मिक्सी का एक जार ले रही हूँ ताकि इसमें मिक्स करने में आसानी हो, और आप चाहें तो बाउल में भी मिक्स कर सकते हैं. फिर इसके साथ में ये क्रीम ले लूंगी और इसके साथ में एक चम्मच शुगर डालूंगी. आप शुगर में बहुत कम ले रही हूँ क्योंकि फ्रूट जेली है ये, उस वैसे भी नेचुरल मीठा रहता है फ्रूट के वजह से, इसलिए मैं इसमें कम डालूंगी. और कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है इसलिए शुगर की क्वांटिटी में कम डालूंगी. अगर कोई आपके यहाँ किसी कारणों से शक्कर नहीं खाता है तो आप इसमें शुगर फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हो और शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और इसके साथ में ये कंडेंस मिल्क डालूंगी. और इन सभी को हमें मिक्स कर लेना है. मैंने इन्हें मिक्स कर लिया अच्छे से. अब एक कटोरी में मैं 2 से 3 चम्मच में गरम पानी लूंगी और ये गरम पानी में मैं 3 बड़े चम्मच मैं जेलेटिन पाउडर डाल दूंगी. ये 3 बड़े चम्मच मैंने जेलेटिन डाल दिया है और इनको मैं गुनगुने पानी में, मैंने इसको गरम पानी में मिक्स किया है जेलेटिन पाउडर को, और इन्हें भी मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे. एक बार और मिक्स करने के लिए मैं इसको मिक्सी में हल्का सा मैं चला दूंगी इसको ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए. मिक्स हो गया है अच्छे से. जेलेटिन का काम सिर्फ सेट करना है और ये कोई भी आप चीज बना रहे हो जिसमें जेलेटिन आप डाल रहे हैं उसका काम है सिर्फ सेट करना. अब हमें जिस कंटेनर में हमें सेट करना है वो एक बर्तन ले लेंगे. बढ़ते हुए बच्चों को या महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, सभी को फ्रूट के साथ साथ मिल्क का फायदा शरीर को पहुंचना चाहिए. और ये इसके साथ साथ मीठा तो हमें मिलेगा ही और साथ में न्यूट्रिशन भी हमें मिलेगा, तो आप इसे जरूर ट्राई करें. अब हमें
इस तरह से हमें जेली डाल देना है। इस तरह से हमें जेली डाल देना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें ये सारे कलर के जेली डाल देने हैं। और फिर इनके ऊपर हमें ये जो दूध का मिक्सर हमने बनाया है ये डाल देंगे इसमें। और फिर एक बार हमें ये जेली डाल देना है, एक लेयर फिर जेली की। फिर एक बार मैं ये जो हमने ये बैटर बनाया है दूध वाला ये डाल देंगे इसमें। और इस तरह से हमें ये सब डाल देना है। और फिर एक बार लास्ट में हमें और इसके साथ में थोड़ा सा चॉकलेट चिप से गार्निश करूंगी ताकि बच्चों को बहुत ही अच्छा लगे देखने में। और इसे हमें फ्रिज में सेट होने के लिए 30 से 40 मिनट के लिए छोड़ देना है। अगर विंटर का मौसम है तो आप इसे बाहर भी सेट होने के लिए रख सकते हैं 30 से 40 मिनट के लिए। इसके बाद हमारी ये फ्रूट जेली डेजर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से ये मेरा फ्रूट जेली डेजर्ट बनकर तैयार हो गया है। आइए चाहे तो आप ये चारों तरफ से इधर से ऐसे किनारे से इसको कट करके पूरा निकाल सकते हैं, और नहीं तो मैं पीसेस करके मैं दिखा देती हूँ। इस तरह से मैं एक पीस निकाल कर आपके दिखाऊंगी। देखिए हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये न्यूट्रिशन से भरपूर है हमारी यह स्वीट रेसिपी, जिसे हम सभी इंजॉय कर सकते हैं, खुद भी खाएं और परिवार और अपने मेहमानों को भी खिलाएं। और हमारे हंग्री स्पून चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना, अपने परिवार का, बच्चों का, बुजुर्गों का और खासतौर पर बेटियों का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। Thanks for watching. Stay tuned with Hungry Spoon.